हेलो दोस्तों, आप सबों को इन्फोटेक चैनल में स्वागत है। आज आपको मैं बताता हूँ जरीब से खेत कैसे नापते हैं। जरीब को हम लोग गंटरी जरीब भी कहते हैं, तो गंटरी जरीब के सहायता से खेत को कैसे नापा जाता है, तो चलिए आज इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसी को बताएंगे कि जरीब से खेत को कैसे नापते हैं। इसमें एक खेत बनाते हैं, सपोज दैट ये एक खेत हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग हैंडल पकड़े और यहाँ तक नापे तो ये कितना आया, दो जरीब। पच्चीस कड़ी, ठीक है। सेम यहां भी नापे तो जरीब, इसमें पांच कड़ी आया, ठीक है। इधर का भी कुछ मान निकाल लीजिए, एक जरीब 15 कड़ी और ए भी आ गया, एक जरीब से कम 95 कड़ी का है। तो इस टाइप का एक खेत है, तो इस खेत का इस जरीब के सहायता से हम क्षेत्रफल या रकबा कैसे निकालेंगे, सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपको एक को कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे ऊपर की जो लंबाई है दो जरीब 25 कड़ी, इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। या तो आप वर्ग कड़ी में निकाल लें और या तो वर्ग फीट में निकाल लें तो आसानी होगा। विधि तो और भी है। तो दो जरीब एक जरीब में कितना होता है, ये माइंड में रहना चाहिए। एक जरीब बराबर 100 कड़ी बराबर 2 × 100 और ए प्लस 25 कड़ी है ऑलरेडी पहले से, तो 2 × 100 करेंगे 200 और प्लस 25 कितना हो गया, 225 कड़ी। तो हम इसके स्थान पे लिख देते हैं 225 कड़ी। एक जरीब यानी कि 1 × 100 कड़ी और प्लस 15 कड़ी, तो इसमें 115 कड़ी। और इसमें भी लिख देंगे हम लोग दो जरीब यानी 2 × 100 200 और प्लस 5 205 कड़ी, ये तो ऑलरेडी 95 कड़ी है ही। तो अभी हम लोग इसको निकालेंगे, तो लंबाई हमको कितना निकाले, 225 कड़ी और इधर 205 कड़ी, तो 225 और प्लस 205 औसत निकाल देंगे, 2 से भाग दे देंगे, गुना सेम चौड़ाई का 95 और प्लस 115 को 2 से भाग दे देंगे, इसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे।
कभी भी वीडियो को आप अंत तक देखें और उसे नोट करें तो अच्छा से समझ में आएगा। ये हो गया 215 कड़ी और ये हो जाएगा 95 प्लस 115 105। ठीक है, अभी हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 105 गुना 215, ये कितना हो गया आपका 22,575। अब इसको कड़ी गुना कड़ी वर्ग कड़ी, ठीक है। अब इसको हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 22,575 को भाग दे देंगे, सॉरी 1,000 से। क्या है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इसमें क्या होता है एक डिसमिल बराबर 1,000 वर्ग कड़ी होता है। इसका मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, एक डिसमिल में 1,000 वर्ग कड़ी क्यों होता है उसे आप देखें। इसमें 1,2,3,22,575 डिसमिल का इसका क्षेत्रफल हमको निकल गया, ठीक है। और मैं अभी चाहूंगा आप इसको फीट से भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक का पहले मैं बता देता हूं, इसको हम लोग अभी फीट का विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो 225 कड़ी में कितने फीट होंगे, तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या है, 33/50 गुना कड़ी, तो ये आपको निकल जाएगा फीट में, कितना था हम लोग का 225 कड़ी। लिए फीट बराबर 33 गुना 225 डिवाइड बाय 50, ये आपका आ गया 148.5 फीट। इसको हम लोग लिख देंगे 148.5 फीट। समझ गए कैसे फीट निकाल देंगे कड़ी से, इसका एक वीडियो भी सेपरेट बना दिए हैं, आप उसको भी स्टडी करें। इसी प्रकार सबको हम निकाल देंगे फीट में 115। इस प्रकार जैसे मैं इसमें 148.5 फीट निकाले, सेम उसी प्रोसेस से 115 कड़ी को 75.9 फीट निकाल दिए और इसको 205 कड़ी को 135.3 फीट निकाले और इसको 62.7 फीट निकाले। तो इससे भी हम लोग क्षेत्रफल को इसके साथ मैच करेंगे कि आती है कि नहीं, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे इस खेत का, सेम वही चीज है, औसत लेंगे दोनों का, 148.5 प्लस
नीचे का कितना है 135.3 का औसत गुना चौड़ाई में 62.7 प्लस 75.9 का औसत। यदि जो नए इसमें जुड़े हैं सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, 148.5 प्लस 135.3 का औसत कितना हो गया 141.9। ये क्या फीट गुना चौड़ाई का क्या हो गया 62.7 प्लस 75.9 का औसत आ गया आपका 69.3। अब हम लोग फीट में निकाल लिए। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 141.9, ये आ गया 9833.67 वर्ग फीट। अब हम लोग किस में निकालेंगे, डिसमिल में। तो 9833.67 को 6 से डिवाइड करेंगे 435.6, क्योंकि एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। और इसको हम लोग भाग देंगे, तो आ गया आपका 22.575 डेसिमल। अभी हम लोग दोनों को मैच कर लेंगे। इसमें हम लोग को 22.575 डेसिमल आया और इसमें भी आप देखें 22.575 डेसिमल आ गया। तो इसमें मैं आपको आज दो विधि से बताया, कड़ी से भी डायरेक्ट कैसे निकालेंगे और जरीब को हम फीट में कन्वर्ट करके कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लाइक थोड़ा ज़्यादा करें तो और आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर मैं बताऊँगा, जिससे आप सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।